जाते हैं खुदा हाफिज। बस इतनी गुजारिश, जाते हैं खुदा हाफिज। बस इतनी गुजारिश है, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करूँ। आज जो आयते हैं इसमें, कल तक की जो आयते थी उसमें अल्लाह ताला ने तवज्जो किया था कि आसमानों को देखो, कायनात ऊपर जो है सर पर नजर आ रही है उसको देखो, उसकी अजमत, उसकी शान, उसका नज़्म, उसका इंतजाम, इंसराम, उसकी तदबीर, इस पर गौर करो। इस पर गौर करोगे दो बातें समझना, एक ये कि जरूर इसका कोई बनाने वाला हकीम व खबीर यकीनन, इतनी बड़ी कायनात इस हिकमत के साथ, इस नज़्म के साथ, इस तदबीर के साथ चल रही है। यकीनन अल्लाह ताला, अल्लाह के वजूद का यकीन, और वो एक है ही भी यकीन। दूसरी बात ये समझ में आती है कि इतना बड़ा कारखाना अल्लाह ताला कायम करे वो बिल्कुल बेमकसद हो। एक इंसान जुल्म कर रहा है, जुल्म करता चला जाए, करता चला जाए, इंसानों को मारता चला जाए, सताता चला जाए, वो कोई बात पुरुष का दिन ना, ऐसा नहीं हो सकता। इस जमीन और आसमान का यकीनन कोई मकसद है, और वो आखिरत का दिन है जबकि जालिम जुल्म का बदला पाएगा,
और मजलूम मजलूमियत का नजरा है। नेककार जन्नत में जाएंगे और बदकार जहन्नम में जाएंगे। एक पर अल्लाह का गजब भड़केगा और एक पर अल्लाह की खुशनुदी छाएगी। ये अंजाम इस कायनात का लाजमी है। अब अल्लाह ताला जमीन की तरफ मुतवज्जे कर रहा है और ये कह रहा है तुम्हें ये मट्टी जो नजर आती है, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी परवरिश और तुम्हारी जिंदगी की बका का सारा सामान इसी में, इसी मट्टी में, इसी से तुम्हारे लिए गल्ले उगाते हैं, इसी में तुम रहने के मकान बनाते हो, इसी में नहरें खोदते हो, इसी में पुल बनाते हो, इसी में तामीरात करते हो, इसी में सुरंगें खोदते हो। और देखो और करो कि ये जमीन कितनी ताबेदार बनाई है हमने। एक बच्चा भी इसे खोदे तो कुछ नहीं कहते, एक किसान हल चलाए तो ये कुछ नहीं कहते, इसको खोदते चले जाओ तो ये कुछ नहीं कहते। जरूर है मतबे फरमान है, तुम्हारे कहने पर सिद्धि है, जो तुम करना चाहते हो उसे साथ करो। वो अल्लज़ी जअला लकुम अल-अर्ज़ ज़रूरन, अल्लाह वो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए जरूर बनाया, ये तुम्हारे ताबे फरमान है, जो करना चाहो करो, कोई इनकार नहीं करो। कितनी गहरी बुनियादें खोदते हो, कैसी ऊंची ऊंची इमारतें, 110 मंजिला 20 मंजिला इमारतें इसमें खड़ी करते हो, इसकी पीठ पर बोझ डालते हो, कुछ नहीं कहते। एक बच्चा इसे खोदता है कुछ नहीं कहते, फिर इसी में तुम दफन होते हो तब ये कुछ नहीं कहते। इतनी जरूर हमने बनाई, किताबें फरमान बनाई ये जमीन, फिर तुम अपने दाने इसी में बोते हो, बीज बोते हो और ये तुम्हें लहलहाती खेती देती है, फसल देती, गल्ला देती। सोचो ये कौन गल्ला पैदा करता है, क्या जमीन में इतनी कुव्वत है? तुम तो दफन करके दाने बीज दफन करके लौ लगाते हो अल्लाह से, तुम्हारे बस में कुछ नहीं कि गल्ला हो गया। अगर अल्लाह ताला सैलाब लाकर उसे तबाह कर दे तो कुछ नहीं कर सकते, फसल उग जाए उसे तबाह कर दे अल्लाह तो कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह से लौ लगाते हो, जिस अल्लाह से लौ लगाते हो उस अल्लाह की तरफ जाना है, जमा होना है। इलैहि नुशूर, कहा जमीन को हमने तुम्हारे लिए जरूर बना दिया है, ताबेदार बना दिया है, फमशू फी मनाकिबिहा, इसके कंधों पर चलो, इसकी पीठ पर चढ़ो, रास्ते बना दिए हैं इसमें, तरह तरह के रास्ते बना दिए, जिधर चाहते हो चले जाते, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक रियासत से दूसरे रियासत में, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, एक वादी से दूसरी वादी में। फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़ी, और ये जमीन तुम्हें रिस्क दे रही है वो तुम खाते हो, खाओ उसे, ये जमीन से रिस्क नहीं मिलता। लेकिन ये ख्याल रखो कि तुम भी जमीन में बीज दफन करने के बाद जमीन से नहीं मांगते, लोग इससे लगाते हो, दुआएं किससे करते हो? बरसात अल्लाह में पानी उसी से लोग लगाते हो, उगाए। जिस तरह ये जमीन तुम्हारे दफन की हुए गल्ले को दोबारा उगाती है, ठीक इसी तरह तुम्हारे दफन किए हुए मुर्दे भी एक दिन दोबारा उठेंगे, जिंदा होंगे, अल्लाह के पास जमा होंगे, जिंदगी का हिसाब देंगे। वह ले हिंदूर, और अल्लाह के पास तुम्हें जमा होंगे, उसी की तरफ है, अल्लाह की तरफ है, तुम्हारा दोबारा उठकर जीकर दोबारा उठकर अल्लाह की तरफ। फिर इस जिस जमीन पर तुम रह रहे हो हर वक्त तुम पकड़ में, किसी वक्त भी कोई बात तुम्हारे साथ हो सकती है। ये जिंदगी जो जी रहे हो आयश आराम से तुम्हारे कब्जे में नहीं है, अल्लाह के कब्जे में। आमिन तुम मन फिस समा यस्फ बिकुम अल-अर्ज़,
क्या तुम इससे अमन में हो, सुकून में हो, इत्मीनान में हो कि किसी वक्त भी अल्लाह ताला इस जमीन को धसा दे तुम्हारे समीत, तुम भी ना रहो जमीन में, रहे धस जाए तमूर, और इसमें जलजला आ जाए, कांपने लगे ये जमीन, तुम्हारे बस में है कि जरूर सको, धसना चाहे तुम्हें धसाना चाहे जमीन, कोई है तुम्हारे पास ताकत तुम रोक सको? नहीं। अभी 4-5 साल पहले मैं बालाकोट गया, जलजला आया था बालाकोट, मैं वहां गया तो एक इमारत खड़ी थी, तो मैंने पूछा कि यही बालाकोट है? कहा नहीं, ये पहाड़ी जो नजर आ रही है बालाकोट, यहाँ तो कुछ बालाकोट तो कुछ नजर नहीं आ रहा, पहाड़ी है। कहा यही वो शायर बसा हुआ था, जमीन में धस गया, अब ये पहाड़ी है, घास है, टीला है, कुछ नहीं है। जब चाहे जमीन को अल्लाह ताला धसा दे, और क्या ऐसा नहीं हुआ पिछले कौमों के साथ? हुआ है, नाम निशान भी बाकी नहीं रहा। तो हर वक्त इस खतरे में हो कि कब जमीन अल्लाह ताला धसा दे, और कब इसमें जलजला आ जाए, जमीन कांपने लगे, कुछ नहीं कह सकते, खौफ ज़दा रहे अल्लाह से डरते रहो। हम अमिनतुम मन फिस्समाए युरसिलु अलैकुम हासिबा, क्या तुम इससे अमन में हो कि अल्लाह ताला अगर तुम पर ऊपर से आसमान से पत्थरों की बारिश करे, ये भी उसके बस में, इसलिए कौमों पर हुई पत्थरों की बारिश हुई। ये हाथी लेकर पहुंचा था असाबुल फील खाना काबा को उठाने, अल्लाह ने पत्थरों की बारिश की, पत्थरों की नहीं थी पत्थरियों की थी, वो भी छोटे छोटे परिंदे थे, उनके चोंच में बांध छोटे छोटे पत्थर थे, जब अल्लाह मारना चाहता छोटे छोटे पत्थरों से मार देता। कौम लूत पर पत्थर बरसाए गए, वो भी आपकी तारीख में पड़ा। तो ये भी अंदेशा है, ये भी अंदेशा है, तुम्हें मालूम होगा कि मेरा डरावा कैसा। तुमसे पहले कितनी कौमों ने अल्लाह ताला का इनकार किया, अल्लाह की आयात का इनकार किया, आखरत का इनकार किया, फकैफ कान नकीर, कैसे अजाब आए, कहाँ है समूह, कहाँ है आद, तहस नहस बना। तुम्हें अल्लाह ताला ने बचाया, एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन से तस्कीन दी कि ऐ नबी आपको मैं खुश करके रहूंगा, बोला सौ भाई होती का आपको इतना इतना अता किया जाएगा, इतनी इतनी बात आपकी मानी जाएगी, आपकी हर बात का इतना लिहाज किया जाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की कि परवरदिगार मेरी उम्मत पर कोई अजाब काजी ना आए, ऐसा अजाब जो फैसला करूं, इस उम्मत पर कोई अजाब ऐसा नहीं आएगा कि उम्मत तबाह हो जाए, खत्म हो जाए। छोटी मोटी आजमाइशें तो आएंगी, लेकिन अजाब ऐसा कि पूरी उम्मत तबाह हो जाए जैसे आद समूद हुए, ऐसा नहीं। ये अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर शायद जब आप पढ़ते थे तो एक और बात आप कहते थे, इजन पढ़ते थे बोला सौ फरी कर आपको क्या बता दो, इजन अल्लाह अगर ऐसा है कि तू मुझे राजी करके रहेगा, अगर ऐसा है तो फिर मोहम्मद उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद, जोर से पढ़िए भाई, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद। ये अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया मौका,
गारंटी दी, जमानत दी, तेरी उम्मत कयामत तक जिंदा रहेगी, ये उम्मत कयामत तक काफी और वो फेल वो काम अंजाम देती रहेगी जो अपने अपने दौर में अपने अपने हैद में हम यह अंजाम देते रहेंगे, ये उम्मत अंजाम देती है। इसमें कुछ लोग ऐसे रहेंगे इंशाअल्लाह हमेशा हर दौर में रहेंगे जो ये काम करते रहेंगे, इस्लाम फैलाते रहेंगे, इस्लाम की तब्दील करते रहेंगे, इन्हीं में मिलेंगे आप, इन्हीं में होंगे इंशाअल्लाह। अब जो भी खुश नसीब है लग जाए इस काम में और जितना हिस्सा बटा ले, और अगर कुछ न बटा सके तो कम से कम दुआ तो कर ही सकता है। हमारी तारीख में एक बहुत बड़ा गजबा, बहुत बड़ी जंग तबूक की जंग थी, फसल पक रही थी, गर्मी का मौसम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकलो गजबा तबूक कौन से जगह जाकर जंग लड़ना ईसाइयों से। बड़ी महजब कौम थी उस जमाने में, बड़ी तरक्की याफ्ता कौम थी, बड़ी ताकत थी इसके पास, लाखों फौज थी इसकी, चुनाचे 1,00,000 फौज मुकाबले पर आई और आपकी तादाद 30,000 थी। पढ़िए अपनी तारीख, 30,000 थे आप, फिर 1,00,000 उसने और भेजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों लेकर गए, पता नहीं उनको क्या क्या रोग उन पर छाया, ये वाहिद जंग है हमारी बगैर लड़े हमने फतह की, वो सब के सब भाग गए, रूपोश हो गए और मुसलमान वो जंग जीत गए ग़ज़वे तबूक। इस ग़ज़वे तबूक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस आ रहे थे तो एक वादी में पड़ाव डाला आपने, फज्र का वक्त था, आपने उम्मत को जमा किया, लश्करियों को जमा किया और जमा करने के बाद एक तकरीर फरमाई, तकरीर ये फरमाई कि ऐ लश्करियों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ जंग के फातिहीन, जंग तबूक के फातिहीन, कुछ लोग हैं मदीने में जो तुम्हारे साथ नहीं आ सके, उनकी मजबूरी उन्होंने वहां रोक लिया, लेकिन अल्लाह की कसम तुम जिस जिस वादी से गुजरे, जिस जिस पहाड़ी पर चढ़े, जिस जिस रास्ते से गुजरे, वो हर जगह तुम्हारे साथ थे, जो आज तुम्हें मिलेगा वो उन्हें मिलेगा। साहबा ने कहा यार रसूल अल्लाह वो तो मदीने में थे, कहा उनकी वो वाकई मदीने में थे, उनकी मजबूरियों ने उन्हें मदीने में रोक लिया, वरना उनकी दुआएं, उनकी तमन्नाएं, उनकी आरजुएं सब तुम्हारे साथ थी, आप इस मुल्क में आराम से सुकून से रह रहे हैं, लेकिन इस्लाम के लिए जहां जहां जो कोशिशें हो रही हैं उनके साथ अपनी दुआएं, अपनी तमन्नाएं, अपनी आरजुएं, अपनी सहरगाही दुआएं शामिल कर दें, जो आज उनका होगा वो आपका होगा इंशाअल्लाह। सही मुस्लिम की दुआ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, اور پچھلی قوموں نے کیسے کیسے انکار کیے, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, تو سوچو کہ کیسے عذاب ان پر آئے, کیسی تباہیوں میں آپ ان تباہیوں سے محفوظ ہیں, کوئی عذاب ایسا نہیں آئے گا کہ یہ امت پوری کی پوری ختم ہو جائے, ایسا عذاب کوئی نہیں, ایسا فیصلہ کوئی نہیں, اس لیے کہ قیامت تک اس उम्मत को जिंदा रहना। जमानत क्या है उसकी? जमानत यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये जिक्र नाज़िल किया है और हम खुद इसकी हिफाजत करें, और कसम है परवरदिगार की जिस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं। मगर राज की बात क्या है इसमें? राज की बात यह है कि हम गुनाहगार सही, खताकार सही, कोताहकार सही, कमजोर सही, सब तस्लीम, लेकिन कुरान आज भी हमारे हाथों में, कुरान जब भी तो महफूज रहेगा, ये हाथ महफूज रहे, ये जमानत है इस बात की कि इस उम्मत के हाथ मजबूत रहे,
ये उम्मत पना नहीं होगी, ये हाथ रहेंगे तो कुरान रहेगा, इसी के इन्हीं के हाथों में कुरान। तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली, अब ये जमीन पर आपका रहना और जमीन से ये नेमतें उठाना, फायदा उठाना, और फिर रहते हुए जमीन पर हर वक्त ये निगाह रखना कि इस जमीन की नेमतों से फायदा उठाते हुए एक दिन मरना है, और मरने के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, वैलैहिल नुशूर। ये बात याद, इस मौत से गाफिल नहीं होना। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फजा की तरफ फिर मुतवज्जे किया, फरमाया इस फजा में सबसे हल्की चीज है हवा, मगर तुमने कभी गौर किया कितने बड़े बड़े परिंदे हवा जो हल्की है सबसे उसमें ठहरे रहते हैं, उड़ते हैं, कभी पर समेटते हैं, कभी फैलाते हैं, लेकिन उस हवा में लगे रहते हैं। इस हवा को उन परिंदों के लिए मुसफर किसने किया, सोचने की बात, क्यों रुके हुए? अल्लाह अगर न रोकना चाहे तो निकल जाएंगे, हवा को ताबे किया इनके रोके रहे, परिंदों को ऐसी टेक्निक सिखाई है रुके रहे उस पर, ये कौन सिखाने वाला है, कौन रोकने वाला है, नीचे तो कोई सहारा नहीं है, सिर्फ अल्लाह है जो ये सिखाता है। और अब तो हमने तनों मन का लोहे का जहाज उड़ाया, इसी फजा में होता है, नहीं करता साफ फातिम या बिल उसके भी पर फैले होते हैं, और अल्लाह ताला रोके हुए उसे। ये किसने सिखाया, ये अकल किसने दी? कारून से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कारून तुम पर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, बड़ी दौलत दी है तुम्हें, दो अल्लाह की राह में आपसे भी कमा सन अल्लाह अरे कारून, जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है तुम भी बंदों पर एहसान करो, दो बंदों को। कारून ने जवाब दिया, क्या तुम सा कहते हो कि अल्लाह ने दिया अल्लाह ने दिया, इन्नमा उतीतु अला इल्मिन इंदी, मेरे अपने गट्स थे, मुझे कारोबार करना आता है, बिजनेस की टेक्निक जानता हूँ, हुनर जानता हूँ, मैंने कमाया। मूसा ने कहा ये टेक्निक किसने दी थी, ये सलाहियत किसने दी थी, ये हुनर किसने दिया था, तेरा क्या है आपने? हमारा अपना कुछ नहीं, जो कुछ दिया है अल्लाह ने दिया, जो कुछ है अल्लाह। आप हवा में उड़े उस वक्त भी अल्लाह को याद कीजिए कि अल्लाह ने ये बसीरत दी, अकल दी, फहम दिया कि हमने इस हवा से ये काम किया। मालूम से कौन मैं अल्लाह रहमान, परिंदे को इस फजा में ठहराने वाली और कोई चीज नहीं है सिवाय रहमान, वही रोके हुए। इन्नहु बिकुल्लि शयइन बसीर, व अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है और हर चीज को समझ रहा है, हर चीज उसकी निगाह में है। और जब आप ये कहते हैं हर चीज उसकी निगाह में है और ये यकीन हो कि ये सबसे बड़ा मुहाफिज है, और कीजिए अल्लाह को ये मानना कि वो हर वक्त हमें देख रहा है, ये सबसे बड़ी हिफाजत है आप, अगर ये यकीन पुख्ता हो 100% ही पुख्ता हो कि यकीनन वो देख रहा है, कोई गलती करेंगे आप, किसी गुनाह की तरफ लपके नहीं जा सकते। इस यकीन में कमजोरी आती है तो आदमी गुनाह की तरफ पड़ता है, और ये यकीन पुख्ता हो, मुकम्मल हो, मजबूत हो, एक ऐसा ही ऐसी दौलत अल्लाह ने दी हमें, ये किसी सियाड़ी के पास नहीं, किसी निज़ाम के पास नहीं, किसी कानून के पास नहीं, किसी जाब्ते के पास नहीं है। जाब्ता जीत हद तक तो काम करेगा जिस हद तक नजर आएगा, ये एक ऐसी कुव्वत अल्लाह ताला ने दी है, ऐसा यकीन दिया है कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दो दिन हमारे पास आए इंशाअल्लाह, दो दिन में इस वक्त अल्लाह।